हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरची स्पेशल। आज का जो वीडियो है वो है एक अनबॉक्सिंग। तो मेरे घर दो चार दिन पहले एक नई चीज आई, तो मैंने सोचा चलो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ शेयर कर लूं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, तो चलो पहले वो देख लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो अगर आप कैश करो के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 5%, 10%, 4.5%, यानी ये वैरी होता है, लेकिन उतना बेनिफिट आपको मिलता ही है। यानी अगर सपोज आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो तो आपको अमेजोन का जो डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसी के साथ अगर वो कैश करो के थ्रू अगर आप परचेसिंग करते हो तो उसको आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्लस वो एडिशनल बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कैश करो के थ्रू अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जो हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अजियो है, मंत्रा है, और ऐसे 1500 जो भी वेबसाइट्स है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ से हर एक प्रोडक्ट पे आपको मिलता है अलग से डिस्काउंट, यानी अमेजोन का डिस्काउंट अलग और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ये आपको देता है रियल का मनी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि इतने पॉइंट्स जमा हो गए तो वो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सीधा आपके जाता है बैंक अकाउंट में, या फिर आप इसको रिडीम कर सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्जी है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो कैशबैक है इसमें आपको दूसरा कुछ परचेस करना ही है, बिल्कुल भी नहीं, आपको इसमें कैश ही मिलेगा। तो मुझे ये कहना है अगर आप कभी भी शॉपिंग करते हो तो कैश करो के थ्रू एक बार तो शॉपिंग करके देखो, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता उसके बाद आप बिना कैश करो के थ्रू शॉपिंग करोगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी। सो बैक टू आवर टॉपिक, हम देखने वाले हैं कि कौन सी नई चीज है जो मैंने हाल ही में खरीदी है और उसका अनबॉक्सिंग हम देखेंगे। अनबॉक्सिंग थोड़ा लेंदी जा सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, मैं डिटेलिंग उसकी आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखना ना भूले। और जो भी नए है मेरे चैनल पे वो मेक श्योर दैट उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दी है। तो चलो फिर देखते हैं अनबॉक्सिंग। ये चीज़ हमें दो दिन पहले ही रिसीव हुई है, तो हमने इसे क्वारंटाइन करके रखा था और अभी उसकी अनबॉक्सिंग चल रही है। तो अप्लायंसेस हमेशा कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें मिलते हैं, और जिसको थर्माकोल की थोड़ी सी फिटिंग होती है, और जो भी आदमी आया था कंपनी की तरफ से उसने मास्क पहना था, उसके हैंड सैनिटाइज करके लिए थे हमने। उसके बाद फिर फिटिंग कुछ इस तरह से होती है, इनर फिटिंग भी। और ये है हमारी न्यू वॉशिंग मशीन जो कि है वर्लपूल की 360 डिग्री ब्लूम वॉश। अभी इसकी फिटिंग चल रही है। कलर मैंने डार्क ही लिया है बिकॉज मुझे फेंट कलर नहीं पसंद वॉशिंग मशीन में, और वो डल भी पड़ जाते हैं, थोड़े डार्क भी लगते हैं उनको। उसके बाद पीछे से उनको आउटलेट दिया है, यानी ड्रेन, इनलेट पाइप और वायर, जैसे कि हर मशीन को रहता है। अभी जो पुरानी मशीन है उसे बाय कहने का समय आ गया है, वो हम एक रिलेटिव को दे रहे हैं। तो मेरी पुरानी मशीन भी वर्लपूल 360 रोटेशन वाली ही थी, उसका अपडेटेड वर्जन मैंने लिया है। तो ये कुछ पुरानी वाली इस तरह से है, थोड़ा उसका टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, और जो जिसने काम किया उसने बार बार रॉन्ग काम करके वो मशीन थोड़ा बिगाड़ दिया। तो उस पर ज़्यादा खर्चा करने से अच्छा हमने सोचा कि चलो क्यों ना नई परचेज़ की जाए। लेकिन आई लव वर्लपूल ब्रांड, इसीलिए मैंने वही लिया। कलर भी वही है, बस इसका जो लीड है उसका थोड़ा सा और फंक्शनिंग थोड़ा अलग है। तो नए की फंक्शनिंग मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, इनर साइड कैसे है डिटेलिंग। तो कुछ इस तरह से है इसका, ये थोड़ा मैंने कैपेसिटी ज़्यादा लिया है, वो 7.2 थी, ये 7.5 ली है मैंने। और ये इनर टब है उसका, रोटेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। देन यहाँ वहाँ पे हम डिटर्जेंट जो फील करते हैं वो जगह दी है। इसका लीड जो है वो हाइड्रोलिक है, पहले वाला लीड हाइड्रोलिक नहीं था तो वो फटाक से नीचे गिर जाता था, ये बहुत स्मूथली नीचे जा रहा है। और ये इतने सारे फंक्शंस है, तो 6th सेंस टेक्नोलॉजी वाला है, स्मार्ट सेंसर्स है इसके बहुत ही। और उसमें पुरानी वाली मशीन में 13 प्रोग्राम्स है, इसमें 12 है। यहाँ पे एक नई बात है कि सोक, वॉश, रिंस, ड्राई, ये सारे फंक्शनिंग का LED पैनल उन्होंने दिया है, ताकि जब जो एक्शन चल रही है वो हमें दिखेगी। हार्ड वाटर के लिए उन्होंने स्पेशल सेटिंग दिया हुआ है, और 7.5 kg एंड 360 रोटेशन। 360 रोटेशन का मतलब होता है कि रोटेट वो सारे डायरेक्शंस में होती है। तो चलो ये जो बॉक्स था बड़ा सारा, तो वो हम क्या करने वाले हैं, मैं उसे संभाल के रखने वाली हूँ। अगर उसका मुझे कुछ इनोवेटिव नहीं करना होता तो शायद ही ये बॉक्स के बॉक्स में नीचे दे देती कचरे वाले को, लेकिन मुझे कुछ उसका इनोवेटिव करना है तो मैं उसे डिसमेंटल कर रही हूँ नाइफ की हेल्प से। तो मैं अभी इसको काट के अच्छे से रख दूँगी।
क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स तो मैं कहीं स्टोर करके नहीं रख सकती, इसीलिए मैं उसे कट करके थोड़े छोटे पीस करके उसको रखने वाली हूँ। और ये अंदर का जो भी थर्मोकॉल का कचरा है वो मैं निकाल के गार्बेज मैन को दे दूँगी। तो चलो ये सब रख देते हैं फटाफट फटाफट। और हाँ, तो इसके फिर से 4 पार्ट्स होंगे, तो वो भी मैं अच्छे से निकाल के बाजू में रख दूँगी ताकि ये ज़्यादा जगह ना ले। तो देखो आप, इस तरह से मैंने इसे डिसमेंटल कर लिया है। सो गाइस, इसे मैंने अच्छी तरह से डिसमेंटल कर लिया है और इसका मैं क्या करने वाली हूँ ये तो आपको देखने को मिलेगा नए वीडियो में। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो बहुत ज्यादा बातें कर ली आज हमने, लास्ट में इतना ही कहूंगी, अगर आप सर्च में हो किसी वॉशिंग मशीन के तो आप जरूर ही व्हर्लपूल की 360 रोटेशन वाली वॉशिंग मशीन बेझिझक खरीद सकते हो। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद परचेज किया है अपने लिए। आपको मैंने दिखाया भी कि मेरा प्रीवियस जो मशीन था वो भी 360 रोटेशन वाला ही था, ये अपडेटेड वर्जन मैंने लिया है। और आप, ये एक जेन्युइन रिव्यू था आपके लिए, तो आप जरूर ही इसे खरीद सकते हो। तो इसी के साथ हम ज्यादा बातें नहीं करने वाले थे जो कि हमने कर ली है, तो यहीं पे हम हमारा वीडियो आज एंड करते हैं। जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक करें, और जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत है उन जैसे लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो। एंड जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।